हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस बुक पार्ट टू के दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट में हमने बात की थी परचेजेस अकाउंट की एंड परचेजेस रिटर्न अकाउंट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स परचेजेस बुक की एंड परचेजेस रिटर्न बुक की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स बुक की, सेल्स रिटर्न बुक की एंड जर्नल प्रॉपर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो की हेडिंग में लिख देता हूँ, ये हमारा है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट टू, और ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है, ये चैप्टर 11th है और पार्ट टू है। इसके पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो बच गया है, क्या बचा है, सेल्स बुक बचा हुआ है। परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक हम बात कर चुके हैं। सेल्स बुक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्स बुक होता क्या है। ठीक है, सेल्स बुक क्या होता है। जैसा कि हमें पता है परचेजेस बुक में जितने भी क्रेडिट परचेज हमने किया था उन ट्रांजेक्शन्स को हम दिखाते हैं, तो सेल्स बुक में जितने भी हमने क्रेडिट सेल्स किए हैं उन सेल्स को हम दिखाएंगे कहाँ पे, सेल्स बुक में। ठीक है, तो इसको हम सेल्स बुक या सेल्स जर्नल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल्स बुक और सेल्स जर्नल इज अ सब्सिडियरी बुक। ये भी क्या होता है, सब्सिडियरी बुक होता है। इट इज अ सब्सिडियरी बुक, इट इज अ सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, जितने भी क्रेडिट सेल्स करेंगे वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, सेल्स बुक में दिखाएंगे। फीचर्स क्या होते हैं सेल्स बुक के, तो हम फीचर की अगर बात करें, पहला फीचर जो है वो है कि क्रेडिट सेल होना चाहिए, क्रेडिट सेल ही हम बस दिखाएंगे। सेकंड है कि गुड्स का सेल होना चाहिए, राइट, डिल्ट इन गुड्स, गुड्स के अलावा कुछ भी सेल करोगे क्रेडिट पे वो सेल्स बुक में नहीं जाएगा। ठीक है, थर्ड है क्या कि कैश सेल्स नहीं इसमें जाएगा, कैश सेल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा। और जो हमारा इसमें एंट्रीज होती हैं वो किसके बेसिस पे होती है, इनवॉइसेस के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, एंट्रीज जो रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। क्लियर है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो सेल्स बुक क्या है, ऐसा एक सब्सिडियरी बुक है जिसमें हम अपने गुड्स के क्रेडिट सेल्स को हम दिखाते हैं। क्लियर है, कैश सेल्स हम नहीं दिखाएंगे, गुड्स के अलावा भी कुछ अगर हमने क्रेडिट पे बेचा है उसको भी नहीं हम दिखाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं हम इसका स्पेसिमेन कैसा होता है, तो स्पेसिमेन की हम बात कर लेते हैं, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की कैसी होती है। ये ऊपर हम लिख देते हैं सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स बुक का फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो परचेजेस बुक में भी वही रहेंगी, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक, सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो वो क्या क्या है हमें पता है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था। क्या पहले में हम लिखेंगे डेट, दूसरे में पर्टिकुलर आएगा जितने भी बुक्स हैं उन सब में,
तीसरे में आएगा हमारा इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर आता है। परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, जब परचेजेस रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट बनाते हैं, तो इनवॉइस नंबर की जगह पे डेबिट नोट नंबर आता है, और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर आता है। क्लियर है? यहाँ पे LF आ जाएगा हमारा लेजर फोलियो, देन डिटेल्स। अब देखिए इतना जगह खाली है, तो हमने इतना खाली क्यों छोड़ दिया? अगर GST नहीं है तो सिंपली लास्ट वाला कॉलम हम अमाउंट का डाल देंगे, जहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे। अगर GST है, कुछ और कॉस्ट है, तो उन सब का अलग अलग यहाँ पे हम बनाते जाएंगे। ठीक है? लाइक GST है तो, अगर दो GST है तो CGST, SGST, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे तो IGST यहाँ पे लगा देंगे। देन फ्रेट वगैरह है, कुछ और है, तो इन सब का कॉलम बनाएंगे, और लास्ट वाला कॉलम जो हमेशा रहेगा ना, वो हम डालेंगे अमाउंट का। तो यहाँ पे हमारा GST है नहीं, तो GST का हम डाल नहीं रहे, तो लास्ट वाला कॉलम हम क्या डाल देंगे, बस अमाउंट का डाल देंगे। अगर मान लीजिए GST रहता, तो GST रहता तो हम बना देते हैं यहाँ पे GST का। अगर इंटर तीन हम बना देते हैं, हम तो ओवरऑल बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तीन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका हो गया SGST का, ये CGST, ये IGST, जरूरी नहीं कि तीनों लगेगा एक में, अगर इंटरेस्ट स्टेट है तो ये दोनों लगेंगे, इंटरेस्ट स्टेट है तो बस ये लगेगा, और लास्ट वाला कॉलम मैं अमाउंट का डाल देता हूँ। ठीक है? तो ये हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को फिल करना है, आई मीन फिल करना है, नॉट फील करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, 2018 मार्च 1 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने सेल किया है, सेल किसको किया है? सोल्ड टू मेसर्स गायत्री टी, सोल्ड टू मेसर्स गायत्री टी आसाम, वाइड इनवॉइस नंबर 2005। आपने मेसर्स गायत्री टी आसाम वाले को सेल किया है, इनवॉइस नंबर जिसका ये है 2005। क्या सेल किया है वो देख लीजिए, 3 chests ऑफ टी फॉर ₹5,000। आपने 3 पट्टियाँ चाय की, जो पट्टियाँ बोरियाँ कह लीजिए, वो आपने 3 बेची है। एक जो चेस्ट की कीमत थी वो थी 5,000, तो आपने 3 chests बेची, यानी कि ₹15,000 का बेचा है। देन और आगे इन्फॉर्मेशन है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। आपको जो ट्रेड डिस्काउंट देना है उसको, गायत्री मेसर्स गायत्री टी वाले को 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना है, और जो टैक्स लगा है वो IGST लगा है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए आसाम में हो रहा है, आप जो है वो दिल्ली में बैठे हो मान लीजिए, ठीक है, या नैनीताल या मसूरी कहीं पे बैठे हो, तो IGST जो लगा है वो 12% का लगा है। तो इसको कैसे हम इसमें फिल करेंगे वो हम देख लेते हैं। सोल्ड टू मेसर्स गायत्री, तो सबसे पहले डेट में हम आ जाएंगे, 2018 मार्च 1 हमारा डेट गिवन है, तो हम लिख देंगे 2018 मार्च 1। ठीक है? दुकान वाले का नाम क्या है वो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, मेसर्स गायत्री टी आसाम, तो आसाम लिख देंगे। ठीक है? क्या बेचा है वो भी हम पर्टिकुलर्स में लिखाएंगे, 3 chests ऑफ टी एट द रेट 5,000 पर चेस्ट। ठीक है? इतना हमने लिख लिया। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ, डिटेल्स वाले कॉलम में, 3 × 5,000। क्लियर है? नीचे कितना आएगा यहाँ पे, 15,000 आ गया, 15,000 आ गया। अब देखिए, अब हमें बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट 5% के रेट से लेस करना है, तो यहाँ पे करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, TD लिख देता हूँ मैं, एट द रेट 5%। 5% 15,000 का 5% कितना होता है भाई, ₹750। ठीक है? कितना, ₹750। तो ये हमने लेस कर दिया, तो 14,250, यानी कि ₹14,250 आ गए हमारे। अब इस पे हमें टैक्स लगाना है, 14,250 रुपये पे टैक्स लगाएंगे, कितना, 12% IGST लग रहा है, तो ऐड कर देंगे इसमें, ऐड यहाँ पे IGST एट द रेट 12%, 1710, यानी कि ₹1710। तो टोटल कितना आ गया भाई, 15,960 रुपीज़ आ जाएंगे हमारे। अब देखिए सेल वैल्यू कितनी हुई भाई,
IGST कितना लगा? IGST हमारा 1710 रुपये, तो 1710 इस यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे, नीचे 1710 टोटल लगा तो लिख देंगे, बंद कर देंगे इसको भी, क्लोज कर देंगे, क्लियर है। और टोटल वाले कॉलम में हम कितना लिख देंगे? 15960 रुपये, 15960 रुपये, बस क्लियर है। बस ये हो गया हमारा सेल्स बुक, ऐसे ही करना है। अगर SGST लगा होता तो SGST वाले में भी डालते हैं, CGST वाले में भी डालते हैं, जितने कॉलम्स आपको बढ़ाने हैं आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, ओवरऑल इतना ही रहता है। डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस LF डिटेल्स एंड अमाउंट, क्लियर है। टैक्स लग गया तो टैक्स बढ़ा देंगे, और कोई कॉस्ट लग गया तो उसका भी कॉलम अलग से बना देंगे, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक की, या फिर जिसे रिटर्न इनवर्ट बुक भी कहते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ट बुक कहते किसे हैं, तो सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ट बुक भी क्या है? सब्सिडियरी बुक है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक, जैसा कि हमें पता है हम सब्सिडियरी बुक ही पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न बाय द परचेजर। तो आपने कुछ सामान बेचा था, सेल किया था, अब वो सामान आपके पास वापस आ गया लौट के, मे बी उस कस्टमर को उस गुड्स की ज़रूरत नहीं रही होगी, या कुछ आपने डिफेक्टिव दे दिया होगा, या कुछ ज़्यादा दे दिया होगा, कुछ कम दे दिया होगा, कुछ दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से उसने वापस कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और जब सेल्स रिटर्न किया जाता है तो क्या बनाया जाता है? क्रेडिट नोट बनाया जाता है, और जब परचेज रिटर्न किया जाता है तो डेबिट नोट बनाया जाता है। यहाँ पे हम क्या एक कॉलम बनाएंगे स्पेसिमेन में? क्रेडिट नोट का, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट की। तो वही जैसे सब में होता है, डेट पहले वाले में, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट नोट नंबर, ओके, देन LF डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे SGST। और क्योंकि जब सेल करते हैं तो हमें टैक्स हमारे पास आता है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, समझ में आ रहा है? GST क्या है? GST इनडायरेक्ट टैक्स है ना, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी के सहारे गवर्नमेंट को वो पे करवाते हो। तो जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो उस गुड्स के साथ टैक्स भी इंक्लूड होता है, राइट, GST इंक्लूडेड होता है। तो वो GST आप दुकानदार को देते हो ना, आप गवर्नमेंट को दे नहीं रहे हो, और रिटेलर होलसेलर को पे कर रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है, और मैन्युफैक्चरर किसको पे कर रही है? गवर्नमेंट को पे कर रही है। तो ये ना है ना, टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है एक से दूसरे पे, राइट। तो GST भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब आप परचेज करते हो तो आप पे करते हो, यानी कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। आप उसी समय समझोगे कि मैंने टैक्स पे कर दिया, भले ही रिटेलर को किया, भले ही होलसेलर को किया, बट आपने पे कर दिया, वो आप पे कर चुके हो। तो वो आपके लिए एज एन एसेट काम करता है वो टैक्स, ठीक है। तो इसको आप इनपुट GST कहते हो। और जब आप सेल करते हो तो वो आपके पास आता है, आपको अब शिफ्ट करना है दूसरी जगह, तो वो आउटपुट हो जाता है, आपके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। चलिए फॉर एग्जांपल, ये पेंसिल मेरी नहीं थी लेकिन मेरे पास है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना। तो टैक्स जो मैंने ये पेंसिल मान ली मैंने बेचा, अब इस पर 2 रुपये टैक्स मैंने लगाए, मैंने नहीं लगाए, वो गवर्नमेंट का टैक्स है। तो वो मेरा जो ओवरऑल इसका कॉस्ट आया था वो मान लीजिए आया था 10 रुपये, ठीक है, मैंने इसको बेचा 12 रुपये में, तो 2 रुपये जो था वो टैक्स का था। तो वो 2 रुपये मैं अपने पास रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जब मैंने सेल किया तो मेरे पास 12 रुपये आया ना, तो 10 रुपये तो मेरे हैं, दैट इज़ फाइन, वो मेरा है। लेकिन 2 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास है, वो क्या है? मेरा नहीं है। तो वो आउटपुट GST कहलाता है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो आउटपुट GST बेचने के टाइम होता है, क्रिएट होता है, और इनपुट GST खरीदने के टाइम होता है, क्योंकि आप पे कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स के टाइम क्या होता है? आउटपुट होता है, तो सब कुछ आउटपुट में जाएगा। आउटपुट SGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST, और यहाँ पे टोटल का कॉलम
या टोटल अमाउंट का कॉलम हम यहाँ पे दे देंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें फिल करेंगे हम इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न्ड बाय, देखिए 2018 अप्रैल 6 को, ये 6th अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि सेल्स रिटर्न आ गया आपके पास, आपने को सेल किया था, आपके पास वापस रिटर्न आ गया। अभी आप अपने आप को एज अ परचेजर नहीं देखोगे, अभी आप अपने आप को एज अ सेलर देख रहे हो। आपके पास गुड्स रिटर्न में आ गया। गुड्स रिटर्न्ड बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली वाले ने आपको गुड्स लौटा दिया। और गुड्स क्या क्या था देख लेते हैं। टू टेबल फैंस एट द रेट 1000 ईच, दो टेबल फैन वापस कर दिए उसने और एक टेबल फैन की कीमत थी 1000 रुपये, राइट। फिर क्या हमें करने को बोल रहे हैं, बोले कि लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको आपने सेल के समय पे दिया था, यानी कि उतने कम दाम में बेचा होगा तो उसी सेम वो ले आइए, 1000 में तो बेचा नहीं होगा, 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको घटाइए आप। ऐड करिए CGST SGST, क्योंकि जब आपने बेचा होगा तो आपके पास CGST एंड SGST क्या हुआ होगा, आया होगा ना, तो आप उसको लौटा रहे हो वापस पैसे, तो वापस कर दोगे ना बंदे को जो भी आपको कर रहे हैं, उस समय पे किया था तो आपके पास टैक्स आ गया होगा, तो टैक्स भी वापस कर दो जोड़ के उसको, है ना। तो यही करना है। देखिए डेट में हम डाल देंगे 2018 अप्रैल 6 डाल दिया, पर्टिकुलर्स में डाल देंगे क्या है, हम पहले उसका नाम लिख देंगे गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, ठीक है, डाल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाइए कि मैंने वही लिखा है, ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। टू टेबल फैंस एट द रेट 1000 ईच, ठीक है। तो डिटेल वाले कॉलम में जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 आ गया ना, 2 × 1000 का हो गया। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस TD एट द रेट 15%, तो कितना हो जाएगा भाई, 2000 का 15% कितना हो जाए, तो 300 लेस कर दिया तो आ गया 1700, ओके 1700 आ गया। अब हमें GST उसको वापस कर देना है, क्योंकि बंदे ने जब खरीदा होगा तो हमें GST दिया होगा ना, अब GST उसको वापस कर देते हैं। ऐड SGST कितना परसेंट भाई, 6% एंड CGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो 6% दोनों ऐड करेंगे, 1700 का 6% एंड 6% यानी कि टोटल 12%, तो 102 रुपीज़ SGST एंड 102 रुपीज़ CGST, ये सब ऐड करने के बाद 1904 रुपीज़ आपको लौटाने पड़ेंगे गंगा प्रसाद एंड कंपनी को। तो SGST में देख लेते हैं कितना था, 102, यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे 102, क्लोज कर देंगे, डबल लाइन का मतलब होता है क्लोज कर देना। CGST भी 102, वापस इसको क्लोज कर देंगे 102, बंद हो गया। IGST लगा नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, टोटल वाले कॉलम में आके लिख देंगे 1904, क्लोज कर देंगे 1904। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से सेल्स रिटर्न बुक को हम दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट सब्सिडियरी बुक की, जो कि है जर्नल प्रॉपर। बहुत ही ईजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। जर्नल प्रॉपर क्या है? अब देखिए जर्नल प्रॉपर को समझने के लिए हमें पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी, पुरानी बातें यानी कि इस चैप्टर की पुरानी बातें। वो क्या था, हमें पता है कि जब कैश रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हमें दिखाने पड़ते थे तो हम किस में दिखाते थे, कैश बुक में। क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम दिखाते थे परचेजेस बुक में। क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को दिखाना होता था तो दिखाते थे सेल्स बुक में। परचेजेज रिटर्न से तो परचेजेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न में। अब आपके दिमाग में ये बात आई होंगी कि एसेट्स को किधर दिखाएंगे फिर, लाइबिलिटीज़ को किधर दिखाएंगे फिर, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं हो पाई इन सब्सिडियरी बुक्स में, उनको कहाँ पे दिखाएंगे। तो जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। क्लियर है? चलिए तो जर्नल प्रॉपर को डिफाइन करने का सबसे ईजी तरीका क्या है कि हम कह सकते हैं जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शंस
विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अदर सब्सिडियरी बुक्स, इन एनी ऑफ द अदर सब्सिडियरी बुक्स। अब देखिए अदर सब्सिडियरी बुक्स क्या क्या है, तो कैश बुक है, परचेजेस बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेजेस रिटर्न बुक है। तो इनमें अगर ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका इनमें से किसी में नहीं हो पाया तो उनका किस में होगा, जर्नल प्रॉपर में हम उनकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। अभी जर्नल प्रॉपर से एक और तरीका होता है कि ओपनिंग एंट्री जो होती है वो हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में दिखाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। तो जर्नल प्रॉपर में एज अ ओपनिंग एंट्री भी एंट्री की जाती है, कैसे, चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर को समझने के लिए हमें ये एक क्लियर होना चाहिए ओपनिंग एंट्री क्या होती है। तो ये होता है कि ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, टू ओपन द बुक्स बाय डेबिटिंग ऑल द एसेट्स, बाय डेबिटिंग एसेट्स एंड क्रेडिटिंग liabilities and the capital in balance sheet। तो देखिए opening entry से कहते हैं सारे assets को debit कर देंगे, सारे liabilities को credit कर देंगे और liabilities के साथ साथ capital को भी credit कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम opening entry, ठीक है। तो opening entry, तो जर्नल प्रॉपर में एज एन ओपनिंग एंट्री हम एंट्री करते हैं, सारे जितने भी एसेट्स रहेंगे उनको डेबिट कर दीजिए और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, आपके जर्नल प्रॉपर का काम हो गया, ठीक है। एक करके बताता हूँ, फॉर्मेट बताता हूँ, देन किस तरीके से हम एंट्री करेंगे किस में जर्नल प्रॉपर में वो भी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर के स्पेसिमेन की। तो जर्नल प्रॉपर नाम से ही पता चला है, जर्नल ही है ये, ठीक है। तो इसको ऊपर हम लिख देते हैं जर्नल प्रॉपर, बिल्कुल जर्नल ही है, जैसे जर्नल में होता है डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट एंड अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट का, इसमें भी सेम होगा डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट ये डेबिट का और ये क्रेडिट का, क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस ऑन 31st March 2019, ये 2019 31st March का लेजर बैलेंसेज है। बिल्डिंग का बैलेंस दिखा रहा था 5 लाख, फर्नीचर का 2 लाख, डेटर्स का 1 लाख, क्रेडिटर्स का 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट था 40,000 रुपये का, कैपिटल था 7,30,000 का एंड कैश जो बैलेंस था वो था 50,000 का। इसको बोल रहा है जर्नलाइज द अबव टू ओपन द अकाउंट्स, नेक्स्ट ईयर में इन सब को दिखाना है वापस, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हो गया ना 31st March 2019, तो अब इसको दिखाना पड़ेगा ना 1st April 2019 को, क्योंकि 19 और 20 वाले जो हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा उसमें दिखाना पड़ेगा ये क्लोजिंग बैलेंसेस को। तो जर्नल प्रॉपर के थ्रू दिखाएंगे, हमें पता है क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर देंगे, जितने भी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, यही होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ क्या होता है, सन्ड्री, इसको घेर देता हूँ मैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है, इसी को जर्नल प्रॉपर में आप यूज करोगे। देखिए क्या क्या है, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट साइड में डाल दीजिए, पहले डेट यहाँ पे लिख दीजिए, डेट क्या था 2018,
सॉरी 2019 फर्स्ट अप्रैल को आपको ओपनिंग एंट्री करनी है ना, तो 31 मार्च को ये सब बैलेंसेस थे, तो फर्स्ट अप्रैल को हमें दिखाना होगा है राइट। यहीं से तो शुरुआत होगी ओपनिंग एंट्री की, 1 अप्रैल। तो क्या दिखाएंगे? बिल्डिंग अकाउंट था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर, सब एसेट्स हैं इनको डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेटर था, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश भी था, कैश भी हमारा एसेट्स होता है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कितना है भाई? 5 लाख बिल्डिंग का, तो डेबिट साइड में डाल देंगे 5 लाख। फर्नीचर का 2 लाख, तो 2 लाख डाल देंगे। डेटर्स का 1 लाख, और डेटर्स सॉरी उसके बाद कैश था हमारे 50,000, 50,000 राइट। इतना हमने डाल दिया। अब हम आएंगे टू लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ क्या क्या है देखिए, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD लिख देता हूँ मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। क्रेडिटर्स है 80,000 का, क्रेडिट साइड में डालेंगे 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000, 40,000 डाल देंगे। उसके अलावा कैपिटल है 7,30,000 का, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 7,30,000 ठीक है। ये पूरा हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। और नीचे नरेशन लिखते हैं जनरल के बाद, हमें पता है बीइंग बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन कर दिया ना हमने ठीक है। पिछले साल का जो बैलेंस था हमने इस साल ब्रॉड डाउन कर दिया। तो ये हो गई ओपनिंग एंट्री बोल लीजिए, या जनरल प्रॉपर में एंट्री करना बोल लीजिए, बात दोनों सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा 11th चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने देख लिया, पहले पार्ट में हमने देखा परचेजेस अकाउंट और परचेजेस रिटर्न अकाउंट, दूसरे पार्ट में देखा सेल्स बुक, परचेजेस बुक देखा था, परचेजेस रिटर्न बुक देखा था, दूसरे पार्ट में हमने देखा सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे हमारा 11th चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में 12th चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल NCERT Zone को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज भी हमारा NCERT Zone के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो पेज को। देन इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। पेटीएम नंबर गिवन है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप हमें कुछ पैसे भी डोनेट कर सकते हो। देखते रहिए NCERT Zone, थैंक यू।